वैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं मिरर को यामा में। अभी हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू करते हैं। और ये जो मैं पाना लेके आया हूँ ये कितने का है, 14 और 15 का पाना है, इसे टाइट हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा एक जगह पे। अभी हम लोग निकल चुके हैं, दोनों मिरर भी लग चुके हैं। और यहाँ से देखो व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो पीछे की पूरी कार दिख रही है जो पुलिस की टीका आ रही है, इससे भी दिख रही है। बस इसकी हाइट क्या हो रहा है, हल्की सी इसकी हाइट ना छोटी पड़ जा रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ योर एमएस मोटो व्लॉग। तो आज जो काम करना है वो है यामाहा का मिरर, क्योंकि इसी परसों में जिस दिन गाड़ी चला रहा था अचानक से क्या हुआ कि चलती गाड़ी में मिरर खुल के नीचे गिर गया, वो अपने आप तो टूट गया वो उससे, चलती गाड़ी में से मिरर ही गिर गया हुआ, अचानक ढीला हो चुका था। तो मैं देखा नहीं, इतने ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी चालू करके निकला तो जब तक देख रहा हूँ तो मिरर टूट के गिर चुका था। बोला नहीं, अभी फिर एक नया मिरर लाया हूँ मैं, कल ही कुल्ला CST गया था, वहाँ से एक नया मिरर लेके आया हूँ, नया मिरर इंस्टॉल करते फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके लिए मैं बोला एक वीडियो ही बना देता हूँ इसके लिए कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो एक नए मिरर को यामाहा में। अब चाहे तो दो लगा सकते हो, आपको कहीं सस्ते में मिल रहा है तो दोनों ले लो, कभी थोड़ा महंगा बोल रहा था सिंगल ले लो, क्योंकि सिंगल बहुत कम लोग देते, अक्सर हर कोई नहीं देता सिंगल मिरर, बहुत कम लोग देते सिंगल मिरर इसके लिए। अभी हम वही देख रहे हैं, खाली प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखते हैं और आप लोगों को बता दूँ। ये जगह पे आते रुको, अभी रिटर्न से पीछे ट्रक भी आ रहा है, वहाँ पे आएंगे सुकून से लगाएंगे अपना। कहाँ गई जगह, सनलाइट भी अच्छी आ रही है इसके लिए, यहीं पे लगाते गाड़ी और यहाँ पे भी हम लगाते हमारा मिरर। वाइजर खोल देता हूँ, गर्मी तो बहुत हो रही है वैसे भी। वो क्या हुआ था कि यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू अचानक से निकल के और गिर गया नीचे, तो रास्ते में चलते चलते नीचे गिर गया मिरर, और गिर के ना मिरर टूट गया था। तो इसके लिए मैं नया मिरर लाया था, आज वो उस थैली में रखा हूँ लेके आया हूँ। और मिरर निकालना तो बहुत आसान होता है, देखो अपने आप घूम रहा है, और ये टाइट करने के लिए, ये है मिरर की रॉड, ये पुराने वाली मिरर की रॉड है, तो अब हम इसको नए वाली मिरर लगाते। और मैं आज ग्लव्स भी नहीं पहना, क्योंकि ग्लव्स पहनूंगा तो फिर मिरर लगाने नहीं आएगा मेरे को। ग्लव्स तो ऐसे ही पड़े हुए प्लास्टिक में। ये है हमारा मिरर, जो मैं कर कुर्ला CST जब गया था तो मिरर लेके आया था वहाँ से, तो ये वाला वो मिरर है। हल्का सेम तो मैच नहीं होएगा, मगर देखिए क्योंकि सेम मैच नहीं हो रहा, हल्का साइज ऐसा लग रहा है कि छोटा पड़ गया इसका। अभी हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू करते हैं। और ये जो मैं पाना लेके आया हूँ ये कितने का है, 14 और 15 का पाना है, इसे टाइट हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा एक जगह पे। पहले हम इसको लगाते हैं फिलहाल, तो लग जा रहे, अभी मैं लगाया था यार इसको। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को ही नहीं आ रहा, तो आप लोगों को कहाँ से सिखाऊंगा मैं, मैं नहीं नहीं लग जाएगा अभी तुरंत। ग्लव्स गिर गया, लग गया।
ये इतने से भी टाइट हो जाएगा ये यहाँ पे आके, इससे ज़्यादा घूमेगा नहीं, इससे ज़्यादा घूमेगा नहीं। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से घुमा के जहाँ इसे सेट हो गया, सेट होने के बाद इसको ये नट को इधर टाइट करके, और जो हमारा पाना है ये 14 के पानी से टाइट हो जाएगा यहाँ पे। आप अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं कितना आपको टाइट चाहिए। ये यहाँ पे टाइट हो गया, तो अभी हमारा मिरर लग चुका है। यार शिट, अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा मिरर टाइट हो चुका है, दोनों मिरर फिर से लग गए। और ये गोप्रो का बॉक्स भी मैं इसमें डाल देता हूँ। हाँ, ये दोनों मिरर लग गए। अभी मैं बताता हूँ आपको फिर कि क्या डिफरेंस है दोनों में भी रास्ते पे। अभी हम लोग निकल चुके हैं, दोनों मिरर भी लग चुके हैं। और यहाँ से देखो व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो पीछे की पूरी कार दिख रही है जो पुलिस की इर्टिगा आ रही है, इससे भी दिख रही है। बस इसकी हाइट क्या हो रहा है, हल्की सी इसकी हाइट ना छोटी पड़ जा रही है, वो उस वजह से थोड़ा आपको लगेगा कि डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि दोनों मिरर में से कोई तो छोटा बड़ा या तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इसके लिए मैं पहले ही बता दिया कि इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है और ये थोड़ा लो क्वालिटी का है। और जो ये वाले मैं लगाया था, ये ओरिजिनल यामा के जो आते थे ना कंपनी से, वो वाले मिरर थे ये वाले। वो अचानक से मैं ध्यान नहीं दिया उस दिन, वो स्क्रू ढीला हो गया, उसका स्क्रू ढीला होते सर नीचे गिर के टूट गया। मैं रस्ते पर उठाया, मतलब सोचा कांच बच गई होगी, मगर नहीं, जहाँ उठाया तो कांच पूरी नीचे गिर गई। मतलब अरे यार, फिर जाके अब कुर्ला सीएसटी से फिर कॉपी वाला जो आता है वो एक लेना पड़ा मेरे को, ओरिजिनल मिल रहा नहीं था। ओरिजिनल बहुत मुश्किल से मिला था मेरे को, दो जोड़ी है। और उसने बोला कि एक सिंगल मिलेगा चलेगा तो ले लेना, तो वाला दे दे भाई कॉपी, सिंगल भी रहेगा तो चलेगा मेरे को। इसके लिए भी सिंगल भी ले गया हूँ, और कैरियर जो आता है पीछे का यामा को उसको भी बुक किया हूँ। और एक हैंडल है प्रो टैपर का, वो हैंडल की भी आपको इंस्टॉलेशन वीडियो मिलेगी अभी 2 दिन बाद, वो भी एक मिल जाएगी हैंडल की। और उसके बाद अभी माइक का भी मैं रिव्यू देने वाला हूँ, सोनी का माइक भी मंगाया हूँ, वो सोनी के माइक का रिव्यू देना है। और एक चिन माउंट, अच्छा वाला चिन माउंट मंगाया हूँ, क्योंकि जो मेरे पास ये लगा है ना एक्शन प्रो का चिन माउंट, इसमें क्या मसला हो रहा है कि रुक जाओ 2 मिनट जरा मैं ऐसे क्रॉस हो जाऊँ पहले। जो मेरा एक्शन प्रो का जो चेन माउंट है ना, उसमें क्या हो रहा है कि वीडियो ना हल्की सी फुटेज टेढ़ी मिलती है कभी भी मेरे को, वो हमेशा टेढ़ा ही रह रहा है। उसको सीधा कितनी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो सीधा नहीं हो रहा, वो टेढ़ा ही रह रहा है। और टेढ़े में क्या हो रहा है, कभी ये साइड का मिरर कटता है या कभी ये साइड का मिरर कटता है, और हैंडल भी पूरा नहीं आता, कभी यहाँ कटता है कभी यहाँ कटता है। तो इसके लिए मैंने उसका भी ब्लू आर्मर का जो आता है ना स्टिक वाला, जो नीचे चिन माउंट रहता है, वो वाला मैं माउंट किया हूँ, ऑर्डर किया हूँ, दिखा दूँगा उसके, अगर फ़ोटो मिलेगी तो मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। वाला भी ऑर्डर किया हूँ, सोनी का माइक है और एक कैरियर है यामा के पीछे का जो लगता है स्टील का, एक वो है, एक प्रो टैपर का हैंडल है। अभी क्या मेरे को पूरी गाड़ी को बनाना है, तो धीरे धीरे करके आप लोगों को बताते भी रहूँगा और बनाते भी रहूँगा पूरी गाड़ी को। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था कि मैं मिरर लगा रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि मिरर कैसा सेट होता है। कोई कोई नए बिगनर लोग रहते हैं जिनको नहीं आता मिरर सेट करने, तो मैं बता देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करते हुए जाना।